नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मंडी भाव एडवाइजर में। किसान भाइयों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं अदरक के बाजार भाव। किसान भाइयों, आज दिन है मंगलवार और तारीख है 25 अक्टूबर 2022। किसान भाइयों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बगल में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि अदरक के जितने भी भाव आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, कल था दीपावली और दीपावली के सुबह जितने भी मतलब अदरक के बाजार भाव आए, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। और किसान भाइयों, क्योंकि अदरक के विश्वसनीय और सटीक जानकारी आप लोग को इस चैनल से आती रहती है, तो किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इसमें जानेंगे महाराष्ट्र मंडी और हिमाचल प्रदेश मंडी और कोटाकरा जो कि केरल के सभी मंडियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के मंडियों में। जुन्नार 3,500 रुपया, श्रीरामपुर 3,000 रुपया, रामटेक 2,800 रुपया, सतारा 3,500 रुपया, राहता 4,000 रुपया, पुणे 4,000 रुपया, पुणे मोसी 3,000 रुपया, नागपुर 4,400 रुपया, मुंबई 6,500 रुपया, मंचर 3,800 रुपया, वाई 3,200 रुपया, रत्नागिरी 4,500 रुपया, कराड़ यहाँ पे 3,000 रुपया, अमरावती 5,500 रुपया, नासिक 7,000 रुपये का भाव देखने को मिले। बात करेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश की मंडियों में। कुल्लू 4,500 रुपया, ऊना 6,000 रुपया, चैल चौक 3,500 रुपये का भाव देखने को मिले। अब बात करेंगे केरल के सभी बड़ी मंडियों के, जहाँ पे दोस्तों एर्नाकुलम 8,500 रुपया, कोटाकरा 10,000 रुपये का भाव देखने को मिले। तो दोस्तों, ये थी आज के अदरक के बाजार भाव महाराष्ट्र और केरला हिमाचल प्रदेश की मंडियों के बाजार भाव। वीडियो के सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही सटीक जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।